गाड़ी देखते हैं, बीजेपी की उस पर लिखा रहता 400 पार। इन्होंने विधानसभा चुनाव में भी लिखा था 75 पार। इनकी 34 सीटें आई थी। विकास क्या करवाया? पहले दुष्यंत चौटाला को इन्होंने यूज कर लिया, अब उसको सत्ता से बाहर कर दिया। इसने कर दिया नाश मोदी ने, किसानों पर पानी मरवाया और दूसरे देश के किसानों ने बता दो बर्बादी आएगी। और 13-14 महीने उन्हें दिल्ली बैठाए रखे। हम तो सरकार से यह निवेदन करें, इस करके इसकी योजना दें, पक्की दा नौकरी दो युवाओं को। तेल साबुन में बका रहा है, तेल साबुन में कोट का तोड़ा है, किधर राम मंदिर में बका रहा है, किधर क्या में बका रहा है। इस करके की बार नहीं है जनता, इसके लिए पूछ रहे हम ना आ गए ना, कांग्रेस को वोट देगी सीधा। हरियाणा में तो जी 10 की 10 सीट कांग्रेस, बीजेपी खाता भी नहीं खोल, और ना पंजाब में खोल थी और ना दिल्ली में खोल है। ना गया सिर्फ देखे तो कांग्रेस इसके लिए अच्छी हरियाणा के लिए, लेकिन अगर देश हित की मैं बात करूं तो बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आने की, केंद्र सरकार बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। 400 पार का नारा दिया गया है, अब देखते हैं कि यही नारा क्या हरियाणा में काम कर पाएगा। ये 400 पार का नारा हरियाणा में काम करेगा या नहीं करेगा, ये हम आपको नहीं बताएंगे, ये जनता आपको बताएगी। जो हमारे साथ उपस्थित लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं, वो आपको बताएंगे। 400 पार का नारा जो बीजेपी ने दिया, कैसे देखते हैं, क्या पूरा हो पाएगा? ऐसा है जी, 400 का अभी हम देखते हैं, कोई भी गाड़ी देखते हैं बीजेपी की, उस पर लिखा रहता 400 पार। इन्होंने विधानसभा चुनाव में भी लिखा था 75 पार। इनकी 34 सीटें आई थी, अब 75 का रेशो निकाल लो, 34 कितना बनता है, और 400 का भी रेशो निकाल लो, कितनी सीटें इनकी आएंगी, ये जनता अपने आप दिखा देगी भाई कितनी सीटें आएंगी। बोलने से नहीं होता। अगर ये बोल रहे हैं कि हमारे 400 पार, फिर भाई गांव लोगों के पैर पकड़ते क्यों घूम रहे हो, क्यों गिनाते हो अपने विकास के करिए? और विकास क्या करवाया है? पहले दुष्यंत चौटाला को इन्होंने यूज कर लिया, अब उसको सत्ता से बाहर कर दिया। और ये पूरी इनका अभी भी 245 नहीं आएंगी इनकी, आगे भी अपनी सरकार वो पूर्ण बहुमत से बना लें, किसी ना किसी दल को शामिल करेंगे, और फिर जब नजदीक आएगा तो उसको, जैसे दुष्यंत को दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया, ऐसे दुष्यंत को फेंक दिया, ऐसे ही निकाल के दूसरे दल को ही फेंक देंगे। अब जी आप क्या कहेंगे, जिस तरह से माहौल चला हुआ है, भाजपा कह रही है कि अब की बार 400 सीटें हम आसानी से ले लेंगे, क्या आपको लगता है सर? भाई इसने कर दिया नाश मोदी ने, किसानों पर पानी मरवाया और दूसरे देश के किसानों ने बता दो बर्बादी आएगी। और 13-14 महीने उन्हें दिल्ली बैठाए रखे, भूखे थे सारे बैठे, फिर झूठ बोल के इन्हें उठा दिए। इतना झूठा प्रधानमंत्री, इतना झूठा हमने तो कभी देखा, मैं तो आउट हो लिया भाई, मैंने बथेरे देखे राजपाल, इतना बूंदा और इतना झूठा हमने तो देखा नहीं भाई। आपकी बात किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? और आप क्या कहेंगे, जिस तरह से राजनीतिक माहौल चला हुआ है और कांग्रेस और बीजेपी आपस में एक दूसरे के सामने है, गठबंधन भी कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर किया है, तो क्या ऐसे में मान के चलते हैं कि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए? प्रधानमंत्री तो कमा की वजह से बना जा है, युवा शक्ति बेरोजगार है, किता कौशल खोल दिया है, किता अपनी वोट लेने खातर नाच गए पर्चे बना दिए, आगे ध्यान में 2000 PM किसान बका लिए, सम्मान नहीं दी है। हम तो सरकार से यह निवेदन करें, इस करके इसकी योजना दें, पक्की दा नौकरी दो युवाओं को। तेल साबुन में बका रहा है, तेल साबुन में कोट का तोड़ा है, किधर राम मंदिर में बका रहा है, किधर क्या में बका रहा है। इस करके की बार नहीं है जनता, इसके लिए पूछ रहे हम ना आ गए ना, कांग्रेस को वोट देगी सीधा, ये मेरा कहना है। तो कांग्रेस में प्रधानमंत्री का दावेदार कीजिए, दावेदार कोई भी हो जी, अगल सामने तो कांग्रेस के मतलब है, कांग्रेस राज में नहीं है, ये नहीं कहे हमने काम करा दिए, ये सारे काम नहीं है, कांग्रेस राज में इशू हो रहे थे, जो गरीब नगर निगम में कोई टेका हो जाएगा सरकार बदल जाए, और तो ये सारे काम कांग्रेस के करे उड़े हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से माहौल चला थोड़ा सा बताइए, बीजेपी और कांग्रेस की जो जिस तरह से मुकाबला होने वाला है सोनीपत लोकसभा में, क्या कहेंगे, कौन जीतेगा? हरियाणा में तो जी 10 की 10 सीट कांग्रेस की, बीजेपी खाता भी नहीं खोलती,
और ना पंजाब में खोल थी और ना दिल्ली में खोला है, तीन स्टेट आई तो मैं गारंटी लूँगी कांग्रेस सरकार है उसका प्रधानमंत्री बनेगा और पार्टी निर्णय लेगी राहुल गांधी पे। राहुल गांधी युवा है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, उस जैसा कैंडिडेट नहीं है प्रधानमंत्री का। बीजेपी का कहना है कि अब की बार 400 पार, क्या 400 पार हो पाई? वो पहले 75 पार कर रहे थे, वो 40 भी पार मुश्किल ना हुई, अब कौन सी 400 पार करेंगे, तुम्हें सोचो 180-170 के करीब पहुँचेंगे, पहुँच गए तो हम तो भाई कांग्रेस की देंगे, चेक कोई कुछ कहे तो अगला भविष्य हमारा कांग्रेस का ही। तो बड़े मुद्दे इन लोगों ने बताया कि धारा 370 हटा दी गई, राम मंदिर बना, ये 370 है ये तो फिर दोबारा लागू कोटोबर कर लो, ये तो संविधान है, जिसकी मेजोरिटी होगी कैसे भी कानून को पतल पतल कर लो। अभी इनकी कांग्रेस की आ जाओ, छोड़ दो भाई अपना बहुमत है, बहुमत में कुछ भी कानून बना लो। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, बहुमत में भी सब कुछ किया जा सकता है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से टिकट मिला है ब्रह्मचारी जी को, कैसा कैंडिडेट उनको मानते हैं? नहीं, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर हरियाणा का सिर्फ देखें तो कांग्रेस इसके लिए अच्छी हरियाणा के लिए, लेकिन अगर देश हित की मैं बात करूँ तो बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं। कैसे साबित करेंगे देश हित में बीजेपी अच्छी पार्टी? बिल्कुल है सर, आर्टिकल में लगा लो आप, 371 लगा लो, पुलवामा हमला हुआ उसके लिए भी कितना एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने, और कितने मुद्दे हैं सर बीजेपी ने जो सॉल्यूशन करे। राम मंदिर को अगर मोटा सा मुद्दा मुद्दा मानो तो राम मंदिर के लिए सॉल्यूशन उन्होंने निकाला, अटका दिया था देश तो। अगर राम मंदिर और के बारे में देखो, अगर मैं अपने घर के भले के लिए चाहूँ तो कांग्रेस और मेरे लिए दीपेंद्र हुड्डा ठीक है, लेकिन अगर देश की बात सोचूंगा तो मोदी से अच्छा कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री अब की बार मोदी जी को फिर से बनाए? जी मोदी को चाहिए। अलग अलग रुझान है लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का 400 पार का नारा जो यहाँ भाजपा पार्टी द्वारा दिया गया था उसको ग्रैंड लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि समझदार लोगों का कहना है कि अब की बार 150 से 200 सीटों पर भाजपा सिमट जाएगी। श्रेष्ठ भारत के लिए कुलदीप सिंह सहरावत के साथ आर कुमार, सोनीपत, हरियाणा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।